हरे कृष्णा राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सब बिहारी जी की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो ये हमारी लाडली जू के दर्शन और हमारे केशव के दर्शन। आज है हमारी रंग भरी एकादशी और हमारे लाला लाली ने भी बड़ी होलियां खेली। तो आज जो है, आज एक टॉपिक तो खैर काफी टाइम से ही आता है कि हम लोग सूतक में कान्हा जी की सेवा कैसे करें, हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सूतक भी देखिए तीन प्रकार के ही होते हैं। पहला जब कोई जन्म लेता है, दूसरा जब कोई मर जाता है, तीसरा आई डोंट नो, दो ही सुने हैं मैंने कि दो सूतक होते हैं। तो दो सूतक में हमको सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसी के ऊपर आज ये पूरी वीडियो है। ठीक है, पहली बात तो ये होता है कि देखिए, ठाकुर जी को अगर आपने घर के अंदर बच्चे के रूप में विराजमान किया हुआ है तो क्या हमको सेवा करनी चाहिए या हमको ठाकुर जी को सेवा देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर ही आज हम लोग पूरी की पूरी वीडियो जो है वो बनाएंगे और आपको भी बतलाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सूतक के दौरान आज भी लोग भगवान को नहीं छूते हैं। ये लोग ना, लोगों की बहुत बड़ी गलत फहमी है। ऐसे में यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं तो उनकी सेवा जरूर करें। आप जिस दिन से लड्डू गोपाल अपने घर में लाते हैं ना और उनकी सेवा करते हैं तो उन्हें भी आपके सेवा की आदत हो जाती है। जैसे एक बच्चे को एक अपनी माँ की आदत हो जाती है ना कि उनको लगता है कि भाई मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया है, उसको वो अपनी माँ की भाप को पहचान जाता है। ऐसे ही ठाकुर जी को भी हमारी ही आदत हो जाती है सेवा लेने की। लेकिन बहुत लोग नहीं समझ पाते, बहुत लोगों के जो नियम होते हैं ना वो अपने आप ही बना लेते हैं जो कि गलत होते हैं। जिस तरह आप किसी भी स्थिति में अपने बालक को खिलाते पिलाते हैं वैसे ही अपने लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करनी चाहिए। भले ही आप उनकी पूजा ना ही करें लेकिन उन्हें स्नान कराएं और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं, उनको भोजन भी करवाएं। आप नहीं कर सकते तो आप क्या करें? जैसे मान लीजिए आपके मन के अंदर वहम है कि भाई मेरे को ठाकुर जी की सेवा मैं नहीं कर सकती, मेरे घर में कोई मर गया है या किसी ने जन्म लिया है इत्यादि जो भी है, तो आप क्या करें? अगर आपके मन के अंदर वहम है कि मैं नहीं कर सकती तो आप अपने घर के किसी भी, जैसे बाहर का जो भी है, बाहर का किसी भी इंसान को आप अपने घर के अंदर ही बुला के उनको सेवा पानी करवा सकते हैं। ये भी नहीं कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को बाहर लेके जाएं और उनसे उनसे बाहर जाके सेवा करवाएं, उनके घर पे छोड़ दें लाला को और फिर वहां पे सेवा कराएं। जी बिल्कुल भी नहीं, आप अपने घर के अंदर ही सेवा करवा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होता है और दूसरी चीज यह है कि पहली बार जब आपके घर में कोई भी सूतक लगे, जब आपने लड्डू गोपाल जी को बाल रूप में रखा हुआ है, तो इन सब चीजों की मान्यताएं बिल्कुल भी नहीं होती है कि आप अपने ठाकुर जी की सेवा इस टाइम पे छोड़ दें। तो ठीक है, इस चीज का विशेषतर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लड्डू गोपाल जी, देखिए एक चीज बता दूं, जो मैं कह रही ना तीसरा ग्रहण कौन, तीसरा सूतक कौन सा होता है? तीन तरह के सूतक होते हैं। एक ग्रहण, जब ग्रहण पड़ता है ना, एक सूतक वो भी होता है, उसमें भी लोग ठाकुर जी की सेवा नहीं करते जबकि ठाकुर जी की सेवा होती है। बेशक से मंदिर बंद हो जाते हैं, मंदिरों के अंदर पूजा पाठ बंद हो जाती है, पर ठाकुर जी की बाल रूप की सेवा वो कभी भी बंद नहीं होती है। दूसरा जन्म का सूतक हो गया, तीसरा मृत्यु का सूतक हो गया। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में तो बहुत ज्यादा मान्यताएं मानी जाती है इनकी, पर पुराने समय के जो लोग थे ना वही ये सब बनाकर गए हैं, आजकल कोई भी नहीं मानता। और जैसे हमने अपने लड्डू गोपाल जी को बाल रूप में रखा है तो हम लोग उसी तरीके से जैसे हम ठाकुर जी की सेवा करते आए हैं और वैसे ही हम करेंगे। ठीक है ना, और हमारे ठाकुर जी हमारी सेवा भी स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, बहुत लोग किसी के यहाँ पे कोई मर गया तो जी हम मृत्यु में रोना धोना मचा देते इतना ज्यादा, लेकिन अपने बच्चों को रोटी खिलाना नहीं भूलते। लेकिन हाँ, भगवान जी को भोग लगाना, ठाकुर जी को भोग लगाना जरूर भूल जाते हैं, क्योंकि सूतक है, ये सब एक ड्रामा है। ठीक है, आपके घर के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन आप ये भी ना भूलिए ना कि आपने लड्डू गोपाल जी को बाल रूप में रखा है, तो आप उनकी सेवा करना बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। तो चाहे कोई सा भी सूतक हो, उसके अंदर ठाकुर जी की सेवा कभी भी नहीं रुक सकती। आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप ठाकुर जी की सेवा को कभी नहीं रोक सकते, चाहे आपके घर में कैसा भी सूतक लगा हो। ठीक है, तो सूतक किसी भी प्रकार का हो, सूतक के अंदर आपको सेवा करनी ही करनी है। और बाल रूप में अगर आपने लड्डू गोपाल जी रखे हैं तो उनकी सेवा बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। प्लस
आपने युगल सरकार रखे हुए हैं तो उनकी सेवा नहीं होगी, उनकी पूजा पाठ नहीं होगी। लेकिन बाल रूप में राधा रानी और कान्हा जी रखे हुए हैं तो उनकी सेवा किसी भी हालात में नहीं रुकेगी। ठीक है, तो हरे कृष्णा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। देखो मेरी किशोरी को कितनी सुंदर लग रही है ना, जय श्री राधे।